और मैं भव्य तिवारी, हम दोनों ही कक्षा 7वीं ए के छात्र हैं। होली का त्योहार हमारे भारत देश में बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बच्चे पिचकारियों से खेलते हैं और मिठाई तो हर भारतीय की पसंदीदा होती है और हर त्योहार की जान। होली रंगों का त्योहार होता है और यह त्योहार राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। होली के इस पावन अवसर पर आइए हम अपने प्रधानाचार्य महोदय जी से कुछ वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि उनका पसंदीदा त्योहार कौन सा है। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? बेटा वैसे तो बीइंग एन इंडियन मुझे सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हमें वैल्यूज देते हैं और हमारे समाज को एक दूसरे हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो मैम बेसिकली आई एम गोना आस्क कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है जो आपको मनाने में बहुत ज्यादा पसंद हो? देखो होली और दिवाली हमारे मेन फेस्टिवल्स हैं और दोनों ही बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के ऊपर मनाए जाते हैं। दिवाली पे जैसे राम ने रावण को मारा तो हमने दिवाली मनानी शुरू की। हमारे हर फेस्टिवल की कोई मैथोलॉजिकल बेस है और मुझे लगता है दिवाली मुझे ज्यादा बेटर लगता है होली। ओके मैम, तो मैम आप दिवाली मनाते कैसे? दिवाली में दिए जलाते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, एक दूसरे से अपनी मिलके फैमिली गेट टुगेदर्स होती है, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर्स होती है, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपने गिफ्ट शेयर करते हैं और बहुत सारी पूजा भी करते हैं। मैम होली पर आपका कोई संदेश? होली पे मेरा संदेश यही है कि हम सबको आपस में मिलजुल के रहना है और होली का मेन संदेश यही है कि हमें एक दूसरे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। अगर कोई भी डिफरेंसेस हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में या सोसाइटी में किसी से भी है तो होली इज द टाइम जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? फेवरेट स्वीट बंगाली रसगुल्ला। तो आइए अब हम एक नाटक के जरिए बताते हैं कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। एक समय की बात है, अहोबिला नामक स्थान में एक राजा रहता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। एक दिन उसकी अमर होने की इच्छा हुई तो इच्छा पूर्ण करने हेतु वह ब्रह्म जी की तपस्या में बैठ गया और उसके बाद उसने ब्रह्म जी से वरदान मांगा। ओम ब्रह्माय प्रसन्न हो, ओम ब्रह्माय प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमर कर दें। मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अगर आप मेरे को अमर नहीं कर सकते तो आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे मैं ना जल में मरूं ना थल में, ना मुझे जीव मार सके ना जंतु, ना मुझे पक्षी मार सके ना पशु, ना मैं दानव से मरूं ना मनुष्य से। तथास्तु। वरदान पाके वह अहंकार में चूर चूर हो गया। वह विष्णु जी का भक्त था और फिर उसके बाद उसने ये घोषणा कर दिया था कि जो भी उसके राज्य में किसी और देवता की पूजा करेगा तो उसकी मृत्यु कर दी जाएगी। उसके बाद परंतु उसने अपने पुत्र प्रहलाद को देश निकाला दे दिया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के साथ एक कुटिया में रहने लगा परंतु उसके पूजा पाठ में कोई अंतर नहीं आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवासी के बाहर से चिल्लाते हुए, प्रहलाद पूजा ना करो, पूजा ना करो प्रहलाद, तुम्हारे पिता कभी भी पधारते होंगे। मंत्री दरवाजा तोड़ के अपने सिपाहियों के साथ प्रहलाद को बंदी बनाकर ले जाता है। चलो सिपाहियों, प्रहलाद राजकुमार प्रहलाद को लेकर चलो महल में। मेरे पुत्र को छोड़ दो,
उसे मत लेके जाओ, मेरे पुत्र को छोड़ दो। राजकुमार वो होता है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पर इस लड़के ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्षमा महाराज क्षमा, हम प्रहलाद को लेकर आए हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, उसके अपने विष्णु की पूजा मत करो। बस महाराज बस, हमें हमारी भगवान की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम सब क्या करें, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। यदि आप बुरा न माने तो हमारे पास एक सुझाव है। जल्दी बोलो। क्यों ना आप अपनी बहन होलिका को बुलाओ। होलिका, उसे क्या होगा? उनके पास एक वर है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो अपने प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाएंगे अग्नि में। उनको तो कुछ नहीं होगा, पर प्रहलाद को वहीं अंत हो जाएगा। होलिका को तुरंत बुलाया जाए। प्रणाम भैया, बताइए क्या कार्य है, आपने मुझे याद किया। अति उत्तम बहन, प्रहलाद ने हमारी नाक में दम करके रख रखा है। प्रहलाद ने ऐसा क्या कर दिया? उसने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उल्लंघन? कैसा उल्लंघन भैया? हमसे मत पूछो, अन्यथा मंत्री। महाराज जी ने मना किया था देवताओं की पूजा करने के लिए, पर प्रहलाद ने अभी भी पूजा की थी, इसी वजह से उनको दंड मिलेगा। तो अब क्या करना है भैया? मंत्री जी होलिका को अपने सुझाव बताते हैं। तो किंतु भैया आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही कठोर दंड? होलिका! क्षमा महाराज क्षमा, हम तैयार हैं। बुआ जी, प्रहलाद वध से तुमने क्या किया? यदि भैया ने तुम्हें पूजा करने से मना किया था तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? वत्स, देखो इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, जैसा तुम्हारे पिता कहते हैं वैसा करो। और देखो तुम्हारे पिता को भी तो कोई भी देवता मनुष्य असुर कोई नहीं मार सकता, तो तुम्हारे पिता भी तो भगवान हुए ना, और वैसे भी तुम्हारे ही भगवान की दीवी देन है कि पिता भगवान समान है, तो तुम अपने पिता के आगे की अवज्ञा मत करो। अन्यथा? अन्यथा अन्यथा क्या बुआ जी? महाराज मुझे मार सके तो मार ले, मेरे प्रभु मेरे साथ है। प्रहलाद! होलिका को बुलाया जाए। जी महाराज। प्रणाम महाराज, हम तैयार हैं। महाराज कभी भी सिपाही प्रहलाद को लेकर आते ही होंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, उस विष्णु की पूजा मत करो, पर तुम तो अब भुगतो। मेरे प्रभु मेरे साथ है। ठीक है प्रहलाद, कोई बात नहीं, आज हम भी देखते हैं कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भगवान में से कौन बड़ा है, देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने। नहीं महाराज नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे, प्रहलाद आपका ही तो पुत्र है। सिपाहियों इसको लेके जाओ और कावड़ी बंद कर दो, और प्रहलाद को होलिका के साथ जलाने के लिए रख दो। बहुत गलत कर रहे हैं, आपको माता का श्राप लगेगा। होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, किंतु सब वार के विपरीत होता है, यानी कि जो होलिका होती है वह जल कर राक्षस हो जाती है, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति और शक्ति की वजह से बच जाता है। आ, आ, होलिका, आ, आ। हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाते हैं और क्रोधित होकर वह प्रहलाद पर वाही करने वाले होते हैं कि विष्णु जी आप अपने तीसरे रूप नरसिंह को भेज देते हैं। नरसिंह, हिरण्यकश्यप आज तुमने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है, अब तुम्हारा विनाश होगा, और जब जब तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया तब तब तुम अहंकार में चूर थे। मैं किसी से नहीं डरता, आज देखा जाए कि तुम भगवान ज्यादा ताकतवर हो या मैं। प्रभु नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को जगह पर लेटा देते हैं और उनका पेट बीच से चीर देते हैं। The day of Holi and celebrates these legends and stories, and it's a kind of an epic celebration. So this was few information. Hope you all enjoyed. Thank you. Hello everybody. Welcome to the Holi in the Persona. I am Angel of Class 8B,
and today we are going to see how Holi is celebrated in Barsana. Barsana Holi celebration starts about a week before the actual date of Holi. It is famous for its Ladmar Holi, in which women beat men with sticks. Barsana is the place where Radha used to live. And Sangeet, Sangeet ke bina to har tyohar adhura sa lagta hai. To chaliye Sangeet ke madhyam se Holi ka maza uthaye. आज बदरिया रसिया तुझे बुलाए, तू तो दाढ़ी
हो गई। अब कक्षा छठी के छात्रों की तरफ गौर करते हुए ये देखते हैं कि आखिर उन्होंने होली कैसे मनाई है। Your life be colored with the hues of happiness. Enjoy the festival spirits and the music of celebration. Happy Holi to everyone. Swami from class 6th. Today I am going to tell you about Holi. May God grant you for your peace of mind and good health. Holi is games in our life very colorfully. Please do not waste water on Holi. Happy Holi and thank you. Happy Holi. May your life bring color of joy and happiness. Hello my dear teachers and friends. I am Nikita Raj from class 16. How are you all? I hope you all are fine and also excited for the upcoming festival of Holi. I am also very excited. May this Holi brings you good fortune, luck, success and a lots of love. Happy Holi to you all and to your loved ones. Hope your life is brimming with the color of love and happiness today and always. Thank you. Good morning, all of you. My name is Shivanshu Pandey from class 6th. The Holi is here. We should remember that this Holi we should not color any of the animal because it can be toxic for them. And may this Holi will be the most colorful and blessed Holi you ever had. May this Holi will fill colors in your life as itself. Thank you. Let's celebrate this Holi together. शुभ अवसर पे मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी इंद्रधनुष के रंगों की तरह प्यार भर रहे। थैंक यू। हम एक और नाटक के जरिए बताते हैं कि और लोग कैसे कैसे होलियां मनाते हैं।
नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका 7th क्लास के बच्चों की दुनिया में। जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं नन्हे बच्चों की छोटी सी प्रस्तुति। चलो चलो, रास्ते में आने वाले लोगों को बैलून मार गुब्बारे मार। जब इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण का वास था तो लोग यहाँ पे फूलों से होली खेला करते थे, पर जब इस धरती पर मनुष्य आए तो रंगों से होली खेलने लगे। हाय राम, दूध वालों को शर्म नहीं आती, होली है तो क्या तुम दूध में रंग मिलाओगे? माफ कर दीजिए साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना। मेरे गांव के बच्चे इतने शरारती हैं, कभी दूध में रंग मिला लेते हैं तो कभी किसी के गुब्बारे मार देते हैं। इस होली ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। तो देखा आपने, तो सुना आपने, पक्के रंगों से होली खेलने से क्या क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं होली खेलने के कुछ जाने पहचाने तरीके। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दिया, हैप्पी होली दिया।
अरे ये डांस नाउ वाटर गुजिया सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवक नंदन तुमको वंदन रखते सबके राज सबके स्वामी तेरी खोज में डर डर भटके खोल दे राधा पटकूं गटके सारा रा लोग बताएं जमुना तटके रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा रा सारा रा 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 होली भी रजमा तुझसे है रंगोली भी रजमा तू मेरी हम जोली भी रजमा तुझसे है रंगोली भी रजमा सारा प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में डर डर भटके खोल दे राधा पटकूं गटके सारा रा लोग बताएं जमुना तटके रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा रा सारा रा 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 होली भी रजमा तुझसे है रंगोली भी रजमा तू मेरी हम जोली भी रजमा जी को होलिका जी की गोद में बिठाया गया था सोचा क्या गया था कि प्रहलाद जी जल जाएंगे लेकिन वो ऐसे उल्टा तो ये चीज हमें हमेशा ये याद दिलाती है होली हमेशा ये याद दिलाती है कि सच की हमेशा जीत होती है और अपने बच्चों का भी यही संदेश है हमेशा
अपने बच्चों के लिए भी यही संदेश है कि जो सत्य है हमेशा उसका साथ दें, कभी भी डरे नहीं, कुछ गलत हो गया तो अपने माँ बाप के साथ, अपने टीचर्स के साथ जरूर उसको शेयर। आप सबको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।